पापा और छोटी पापा आप लोग ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी। साक्षी और अभी की लव स्टोरी में आई हिट स्टोरी को मीडिया में खूब लाइमलाइट मिला था। इसके बाद से कई लड़कियों ने लव मैरिज में अर्जुन बने परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए गुहार लगाई थी। अब बिहार की बेतिया से ही एक ऐसा मामला सामने आया है। पापा और छोटी पापा आप लोग ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। पुलिस थाना करके आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बार साक्षी की जगह कृति और अभी की जगह नितेश है, जिसे प्यार से कृति हनी कहती है, जो सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रही है। हम मेरा शादी हो चुका है, ये सब दिखावटी का नहीं है। मेरी खुशी यही है। आप लोग पुलिस थाना करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग हनी के फैमिली को तंग करना बंद कर दीजिए। इसमें वो लोग का कोई कसूर नहीं है, जो किए हैं हम और हनी किए हैं। लड़की अपने आप को बालिग होने का प्रूफ देते हुए आधार कार्ड भी दिखाती है। और हम लोग का शादी करने का उम्र है। आप लोग ऐसा कुछ ना कीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। साथ ही कुछ भी होने पर अपने परिवार को ही जिम्मेदार बता रही है। आप लोग पहले भी धमकी दे चुके हैं कि शादी नहीं हो सकता है, मार देंगे। इसके घर पे जाकर आप लोग धमकी दे चुके थे लोग। अगर हम दोनों को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। लोग इसके फैमिली को तंग करना बंद कर दीजिए। लोग इसके पुलिस दरोगा ये सब करके आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। पति के साथ सेफ होने की बात कहते हुए कृति परिवार को परेशान करने की भारी कीमत चुकाने की भी धमकी दे रही है। नितेश भी वही बात दोहराता है जो कृति कह रही थी। पापा हम अपने पति के साथ है और हम सेफ है, आप लोग धमकी देना बंद कर दीजिए। लोग और बोल रहे हैं लोग आप लोग कि एक दिन दो दिन में नहीं आएगी लड़की को लाने के लिए, ताकि आप लोग कुछ करें। और इसका इथी है ससुर जी, आप परिवार से डर के साए में जी रहे इस प्रेमी जोड़े की वीडियो में अजीब तब लगता है जब नितेश ससुर जी कहता है और कृति मुस्कुरा देती है। मीडिया वाले के पास जाएंगे लोग, आप लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं लोग, और मेरे फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए लोग। जो किए लोग हम दोनों मिलकर किए हैं लोग, और इसमें कोई मेरा फ्रेंड और कोई भी मेरा मेरे साथ नहीं है लोग। और जहाँ हैं लोग हम लोग सेफ हैं लोग, और ये दिखाने के लिए मंगलसूत्र नहीं पहना है, शादी किए हैं। साक्षी अभी के बाद से आए दिन ऐसी स्टोरी सामने आ रही है। ऐसी स्टोरी पर सवाल ये उठता है कि देश की तरक्की के नाम पर हम चांद तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठा नहीं पा रहे। R9 TV के लिए अनुज सिंह की रिपोर्ट।